कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाव ने मंच से कांग्रेस की बखियां उधेड़ी और कहा कि 5 साल में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं का एक काम नहीं किया, 5 साल से एक ही नेता दिखा, आज वह गायब हो गया है। दाव ने साफ कहा कि मेरी सच बातें हैं, यदि बुरी लगी हो तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दें। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाव ने मंच से अपनी भड़ास निकाली और ऐसा सच बयां कर दिया कि जिसको सुनकर खड़े कांग्रेस नेताओं को झटका लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के समक्ष कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाव ने कहा कि 5 साल में कार्यकर्ताओं का एक काम नहीं हुआ और ना ही नेताओं ने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। कांग्रेस में 5 साल एक ही नेता दिखा, आज वो गायब हो गया। दाव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मेरी बातें यदि बुरी लग रही हो तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दें। 5 साल हम आपसे मिलने के लिए तरस गए। 5 साल बहुत सारे नेता मन के समन चिंतन करें मनन करें कोनो मन गेरे हो जी मनन चिंतन करे बर कोई बुलारिन का चिंतन मनन करे बर एवं कमरेज में बैठ के चिंतन और मनन लग गए थे कावा हरन आप मैं ये बात कभी स्वीकार कर थो टंके चोट पे की थो। आज अगर पूरा देश में आज 3100 रुपया अगर धान भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी का मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आप हो आपने मोर निष्कासन के अधिकार है आप मोर निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं उकर लिए सदैव आपके लिए काम करूं। अक्की कहते हुए मैं आपके कोई कार्यक्रम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहूं लेकिन मौका इसे मिले नहीं, मौका कभी मिलीस नहीं। 5 साल हम तुहर तीर में नहीं ओढ़न सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।